गया। आप सभी कहते होंगे यार ये तरुण एक बार आता है फिर महीना गायब होता है, फिर आता है फिर महीना गायब होता है। अनाउंसमेंट हुई है कि हमारी ट्रेन थोड़ी लेट है। फिलहाल अभी रेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा थक रहा हूं, इतनी ज्यादा मैंने लाइफ देर। अभी हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग और ये कुछ स्टेशन है जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं कन्नौज। ये मेरे हिसाब से एक डेढ़ घंटे में पहुँच ही जाएंगे। अभी टिकट है जो मुझे भी 40 रुपये की मिली है मेट्रो की। भाई आ गया हूँ मैं मेट्रो स्टेशन पर, कसम से यहाँ बिल्कुल गाइडेंस है ही नहीं है। ये क्या चल रहा है, कसम से मैंने इतने लोग पहली बार देखे है कि मेरे को लेने आए थे हमारे मुनज़्ज़िर भाई। मुनज़्ज़िर भाई क्या हाल है, ठीक हो ना? तो अभी ये मेरे को पिक करने आए थे। तो यार ये कुछ छोटा सा रूम मिला अभी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब अच्छे होगे और ठीक होगे। आप सभी कहते होगे यार ये तरुण एक बार आता है फिर महीना गायब होता है, फिर आता है फिर महीना गायब होता है, जैसे मेरे जीजू ने कहा था। जीजू क्या हाल है आपके? ठीक है, बहुत अच्छा हाल है। ठीक हो ना? ठीक ठाक। आप क्या कह रहे थे मेरे व्लॉग के बारे में, कुछ कह रहे थे आपके? तो आता है फिर चला जाता है, चला जाता है, 15 दिन गायब रहता है। पता है क्या, थोड़ा कम कम आओ ना। वो कहते हैं ना कि किसी जगह आप रेगुलर जाना चला जाओ तो वो जगह आपकी इज्जत कम हो जाती है, कम कम जाओ तो इज्जत ज्यादा रहती है। तो मैंने अपनी इज्जत बना के रखी हुई है। तो यार ये थे हमारे विशाल जीजू। अभी विशाल जीजू मैं दत्त साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई। दत्त साहब क्या स्माइल है आपकी आज यार, क्या बात है, ठीक हो? सब बढ़िया। कहाँ जा रहे हो? आपको छोड़ने रेलवे स्टेशन। अच्छा अच्छा। तो यार अभी जैसा कि आपको पता है, दत्त साहब ने बता दिया कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। एक्चुअली मैंने कहीं जाना था, वो तो चलो आपको आगे ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि अभी आपको बता देंगे तो आप ब्लॉग पूरा नहीं देखोगे। क्या क्या जीजू, बिल्कुल है ना, सस्पेंस थोड़ा रखना चाहिए, इनको पता चलना चाहिए कि यार क्या गाऊँ। तो आपको बीच में कहीं मैं बता दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। तो फिलहाल जा रहा मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो अभी जीजू मेरे को छोड़ने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। अभी टाइम मेरे हिसाब से क्या हो चुका है, 8:30 तो निकले थे हम, मेरे हिसाब से 8:45 के अराउंड हो गया होगा। 9:40 पे मेरी ट्रेन है, उसके बाद अभी वहाँ चलते हैं। एक्चुअली कमल भी अभी हमारे साथ थे, वो थोड़ा काम से निकल गए, उसके बाद फिर जीजू मेरे को ड्रॉप करने जा रहे हैं। अभी वहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठते हैं, तो फिर आगे का कुछ देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, वो तो आपको पूरा बता देंगे। बाकी जीजू आप मेरे व्लॉग्स मिस करते हो? नहीं, बिल्कुल मिस करते हैं यार। जब का मैं आया था जीजू मेरे को कह रहे थे यार आपके व्लॉग्स बड़े मिस करता हूँ, तू कंटिन्यू कर, छोड़ना मत। तो आपसे जीजू आपको व्लॉग्स कंटिन्यू दिखेंगे, ठीक है? अब आपको ये पता चल जाएगा मैंने दिल्ली में क्या किया, ठीक है? ठीक है दोस्तों। तो भाई जीजू और दत्त साहब हमें इधर ड्रॉप करके चले गए, अभी हम चलते हैं, बैग ले लिया हमने, तो चलते हैं। भाई अभी रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ, रश देखें कितना। मेरे हिसाब से मैंने आज तक का जो भी रेलवे स्टेशन देखे ना, उसमें से अभी तक का सबसे ज़्यादा रश यहाँ देखा, कितना रश है देखो। और मेरी इसी प्लेटफॉर्म में आएगी ट्रेन, तो बस अभी वेट करते हैं उसका, 9:30 पर आएगी। तो यार अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है कि हमारी ट्रेन थोड़ी लेट है, 15 से 20 मिनट अभी वेट कर रहे हैं, क्या करें यार। अभी उस तरफ बैठा हुआ था मैं, अब यहाँ से जा रहा हूँ आगे की तरफ, क्योंकि अभी मुझे पता चला है जो हमारा डब्बा है मतलब मेरा ट्रेन का, वो उस तरफ लगेगा A1, तो उसी तरफ चल रहे हैं। इसके बाद फिर ट्रेन हमारी जो भी आने वाली होगी, तो चलते हैं अभी आराम से। तो जी फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, और ये रहा A2 डब्बा, इसके बाद वाला जो है A1 वो आ गया हमारा, उस पर बैठते हैं और निकलते हैं फिर आगे की तरफ। सुबह मैं आ चुका हूँ ट्रेन में, और ये रही मेरी सीट, मेरी सीट एक्चुअली ऊपर वाली अभी ये खाली थी, तो मैं यहाँ पर आ गया। और अभी बस वेट करूँगा जब तक कोई नहीं आता, तो मैं यहाँ बैठूँगा, क्योंकि यहाँ विंडो सीट है और मेरे को विंडो सीट का बहुत ही शौक है, बाहर देखने का मज़ा आता है ना। तभी अभी तो फिलहाल कोई व्यू नहीं है, अभी वेट करते हैं कि ऊपर वाली सीट में कोई आ जाए, फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, वरना इधर ही सो जाएंगे। नींद तो बहुत आएगी, बहुत थक गए, देखते हैं कोई आता है। सामने बोले मेरे बच्चे हैं, इन्होंने बहुत छोटा रहा है, फैमिली है पूरी भी। सो गाइस अभी अपना सेटअप कर लिया, देखिए यहाँ पर पूरा क्लोज वगैरह कर दिया ये विंडो है, यहाँ से अभी इस पर रखा तो इसको क्लोज कर देंगे फिलहाल। तो बस आराम से पूरा अपना सेटअप कर दिया, ये तो बैग मैंने सरप्राइज के नीचे पिल्लो सब कुछ ब्लैंकेट वगैरह। फिलहाल अभी रेस्ट करूँगा, बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, इतनी ज़्यादा नींद आई हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। अभी क्या है कि सुबह हो चुकी है, सुबह के 7 बज चुके, मैं उठा तो कब से हुआ हूँ लेकिन बस बाहर नहीं आया था अपने बेड से जो भी है सिटी के लिए। अभी फिलहाल ट्रेन काफ़ी स्पीड में चल रही है, तो मैं बस अभी हॉल सेल सेट करने आया था और दूध होने आया था, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ। बाकी तो चलो वहाँ जा सकेंगे, वहीं होंगे अभी फिलहाल, पता नहीं कहाँ पहुँचे। तो गाइस अभी हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग, और ये कुछ स्टेशन है जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं कन्नौज, और
ट्रेन रुकी नहीं है प्रॉपर, तो मैं यहाँ पर आया था, थोड़ा स्पीड कम हुई थी। तो उसके बाद पता नहीं कौन सा स्टेशन आएगा और हमारा कब आएगा। हाँ जी, तो अभी मैं फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, मुँह वगैरह सब कुछ धो लिए, हेयर स्टाइल सेट कर लिए। अभी फ़िलहाल बस ट्रेन थोड़ी देर यहाँ रुकी है, मेरे हिसाब से एक डेढ़ घंटे में पहुँच ही जाएंगे अभी। तो देखते हैं फिलहाल कब पहुँचते कब है, तो पता नहीं क्या हो गया रात को यहाँ पर। चलिए, तो गाइस अभी आ चुका हूँ अपने कैबिन में। एक्चुअली बाहर कुछ करने को था नहीं, ना बैठने की जगह थी, तो मैं खड़ा ज़्यादा रह नहीं सकता, इसलिए मैं आ गया हूँ अपने कैबिन में। और अभी वेट कर रहा हूँ कि आगे कहीं स्टेशन में गाड़ी रुके तो कुछ खाऊं, भूख लगी मेरे को अब, क्योंकि मैंने रात को भी डिनर नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं था तभी। यार फ्लाइट है ना, हाँ ये है, अब आ रहा हूँ। अच्छा जी, तो अभी वेट कर रहा हूँ स्टेशन किसी पर गाड़ी रुके या जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर रुके। तो मैं अब आप सबको बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, दिल्ली जा रहा हूँ मैं किसी काम से, और जा रहा था अकेले। तो जम्मू भी अकेले आया था, जम्मू में रुका हुआ कमल भी वगैरह जीजू वगैरह सब थे उनके पास रुका थोड़ी देर, फिर मेरी टिकट थी रात की, ट्रेन थी इसमें आ गया। अभी फ़िलहाल ट्रेन में पूरी रात रहा अकेले, पहली बार अकेले कहीं जा रहा हूँ और आउट ऑफ स्टेट, तो पहली बार, तो पहली बार आउट ऑफ स्टेट आया हूँ किसी काम से। तो अभी बस पहुँची भी जब, उसके बाद आपको बताएंगे, दिल्ली में किसी से मिलना है मेरे को, वो लेने आ जाएगा। उसके बाद अभी कुछ काम है वो कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे, क्योंकि मैं भी पहली बार दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली भी पहली बार जा रहा हूँ, अकेले भी पहली बार जा रहा हूँ। फाइनली गाइस सब पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन पर, अब यहाँ से बाहर का रास्ता देखते हैं। भाई आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन से बाहर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर लिखा है न्यू दिल्ली, और अभी कुछ ऐसा है। और अभी 9 बजे हैं यहाँ पर, सुबह के 9 बजे, और इतनी धूप है ना, इतनी धूप है। अभी देखते हैं आगे क्या हाल होता है हमारा। चलो, तो यार पहले मैं यहाँ नीचे घूम रहा था, ये बोर्ड वहाँ नीचे घूम रहा था, अभी आ चुका हूँ यहाँ पर, यहाँ से जा रहा हूँ पर सामने मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मैंने जाना है आदर्श नगर, तो वहाँ चलते हैं। भाई ये कोई टिकट है जो मुझे अभी 40 रुपये की मिली है मेट्रो की, अब यहाँ से जाना है, कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है। दुबई की मेट्रो में बैठा था आज तक पहली बार, अभी दिल्ली की मेट्रो में बैठने वाला हूँ। भाई आ गया हूँ मैं मेट्रो स्टेशन पर, कसम से यहाँ बिल्कुल गाइडेंस है ही नहीं है, मतलब कहीं पर नहीं बताया कौन सा स्टेशन कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, तो गाइड भी कोई इतने अच्छे से नहीं करता। ऊपर एक आर्मी वाले थे उन्होंने गाइड किया, उसके अलावा किसी ने नहीं, यहाँ ना लिखा हुआ है प्रॉपर की यहाँ पर इस स्टेशन की है या उस स्टेशन की। अभी फ़िलहाल मेरी मेट्रो आ चुकी है, इस पर चलते हैं हम और फिर मिलते हैं। अब पता नहीं ये है या नहीं, अब पूछ पूछ के आया हूँ लोगों से, पता नहीं कहाँ पहुँचाएगी अब। भाई कितना सुंदर बनाया हुआ है ऐसे मेट्रो स्टेशन देखा जाए तो, बहुत बड़ा है। अब यहाँ से हमने जाना है ब्लू लाइन में, वो कहाँ पर है कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है। ये देखो भाई कितनी जद्द है, वो क्या बनाया हुआ और कैसे बनाया हुआ है, ये देख लो कैसे भीड़ इधर से उधर कितनी हो रही है। उफ़ कसम से कितना बिजी है यार, ये देखो, ये देखो इस तरफ उधर छोड़ो, यहाँ भी यहाँ देखो, अरे वो ये क्या चल रहा है, कसम से मैंने इतने लोग पहली बार देखे हैं कि ये देखो ना आप, मतलब कैसे आ रही है, देखो कितना बंदा है। और भाई अभी यहाँ से एक ये मेट्रो ही है, अब हमारी मेट्रो आएगी जिसमें मैंने जाना है। तो यहाँ पर आ चुके हैं पूछ पूछ के एक दूसरे से, किसी किसी से, तो यहाँ से अब दूसरी मेट्रो पकड़ते हैं। भाई काफ़ी टाइम खड़ा रहा, उसके बाद मेरे को सीट तो मिल चुकी थी यहाँ पर, और अभी रश भी मेट्रो में कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा रश था, और अभी जो है मेरा स्टॉप आ चुका है ये ग्रीन वाला आदर विहार, तो अभी हम उतरते हैं तो चलते हैं। तो यार मेट्रो स्टेशन से हम आ चुके हैं बाहर, और यहाँ पर है तगड़ी मार्केट, और मेरे को लेने आए थे हमारे मुनज़्ज़िर भाई। मुनज़्ज़िर भाई क्या हाल है, ठीक हो ना? तो अभी ये मेरे को पिक करने आए थे, तो अभी यहाँ से चल रहे हैं, बहुत तगड़ी मार्केट है, अब पता चला है दिल्ली क्या है। यहाँ बस से देखो यहाँ कितनी है बस वगैरह पूरी। मुनज़्ज़िर भाई कहाँ जा रहे हैं अब हम? अभी फिलहाल हम कुछ खाने के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो यार यहाँ पर कितना रश है, मैं इतना रश के नहीं दिखा रहे, ये देखो। तो यार अभी हमने यहाँ पर ले लिया रिक्शा, और मुनज़्ज़िर भाई कहाँ जा रहे हैं हम? पहले ये जा रहे हैं करोल बाग वाली साइड, वहाँ के हमने रूम लेना है, तो
उसके बाद आगे का देखते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं। भाई मुझे अभी मुनज़्ज़िर भाई ने बताया कि ये आप बता रहे थे अभी, ये जो ये लगा हाँ, मतलब इसके इधर ये जो है ना, ये यूपी है और उधर दिल्ली है। अभी पीछे हमारे तो ये हुआ यूपी नंबर बोलता, दिल्ली में नहीं जाएगा, दिल्ली नंबर यूपी नहीं जाएगा, पता नहीं ड्राइवर था ऑटो ड्राइवर एक वो। अभी यहाँ से हम ऑटो या बस देख रहे हैं, उससे निकलेंगे, एक जगह जाना हमने। तो यार अभी आए हैं होटल में, नसीब भाई का हालत देखो, थक गए हैं यार थोड़ा सा, कब से चल रहे हैं यहाँ, ट्रैफिक इतना गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा ट्रैफिक है। तो अभी रूम का पता कर रहे हैं, वो वहाँ कॉल करें कि कौन सा खाली है कौन सा नहीं, फिर रूम लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे का प्लान क्या बनता है। अच्छा यार ये कुछ छोटा सा रूम मिला अभी, तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा नहा धो कर फ्रेश हो जाते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, गर्मी तो इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऊपर से देखते रूम्स के प्राइस ऐसे आसमान छू रहे हैं, नॉर्मल से नॉर्मल के भी। तो अभी चलते हैं नहा धो लेते हैं थोड़ा, अगर अंदर नहा धोगे रेस्ट की आराम से, सुबह कितने बजे 12-1 बजे रेस्ट कर रहे थे, 1 बजे नहा धोकर फ्री हो गए थे 1 बजे। अभी मैं और मुनज़्ज़िर भाई अब 3:30 हो गए हैं, अब निकल रहे हैं बाहर और अभी चल रहे हैं थोड़ा ऐसे मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसे इसी तरफ आएंगे। तो अभी चलते हैं, पहले कुछ खाएँ उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। सुबह सुबह जब हम दिन को निकले थे नहा धोकर फ्रेश होकर, उसके बाद हम अभी फ्री हुए हैं, हमारे जितने काम थे मोस्टली तो फ्री हो चुके हैं ना, सभी काम हमने ख़त्म कर दिए हैं। अभी फ़िलहाल मैं और मुनज़्ज़िर भाई अभी हम जा रहे हैं थोड़ा कहीं शॉपिंग वगैरह करने, क्योंकि मैं यार बड़ी जल्दी में निकला था रजौरी से, तो मैंने ट्राउज़र टी शर्ट वगैरह कोई नहीं लाई थी। अभी कुछ कपड़े लेंगे क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी है, बहुत बुरी हालत हो गई है, मैं बता नहीं सकता आपको। और साथ में कोई डिनर वगैरह करेंगे ना, डिनर भी नहीं किया हमने, वो भी करेंगे, तो फिर साथ में थोड़ी शॉपिंग वगैरह करेंगे। फिर अभी मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया तो थोड़ा घूमेंगे पैदल आगे पीछे, देखो कुछ ऐसी सी मार्केट है, अभी चलते हैं। आधे से ज्यादा मार्केट तो फिलहाल क्लोज हो चुकी है, लेकिन जिस तरह हम जा रहे हैं कि अब तक उधर खुली हुआ है ना, कल और अच्छी जगह पे होगा हाँ, और कल यहाँ पर इलेक्शन है, उस वजह से यहाँ सब कुछ बंद होगा। तो कल हम कोशिश यही करेंगे कि पैदल यहाँ पर घूमे पूरा जितना हो सकता है, क्योंकि कल इलेक्शन है, शॉप वगैरह कोई खुली नहीं होगी, कल हमारा कोई भी काम नहीं होगा, इसलिए कल हमारे पास यही काम होगा कि हम जो है घूमे। तो चलो अभी यही कोशिश रहती है, फिलहाल हम चलते हैं उस मार्केट में, तो फिर आगे देखते हैं क्या बनता है।